शिक्षक नियुक्ति को लेकर बिहार में परीक्षा ली गई थी, ऐसे में अब बीएड वाले अभ्यर्थियों को भ्रमित कर सरकार और विभाग रख रही है। देखा जाए तो एनसीटीई के द्वारा 4 दिन पहले ही लेटर जारी कर दिया गया। एनसीटीई के द्वारा यह साफ कहा गया कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी है प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, लेकिन सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी विभाग हो, वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर रही है। लगातार जो है भ्रम में अभ्यर्थियों को रखा जा रहा है। बता दें आपको कि बीएड वाले अभ्यर्थी जिस तरीके से पात्र नहीं हो पाएंगे, प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सामने निकल के आ गया था, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, 1-5 के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में सरकार अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रही है, विभाग कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है। देखा जाए तो शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी भ्रम की स्थिति में है। अभ्यर्थी लगातार सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी बहाली होगी कि नहीं, क्या हम लोग शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं। देखा जाए तो समय की बर्बादी हुई, अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद हुआ। ऐसे में अभ्यर्थी जिस तरीके से परीक्षा दिए, कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो व्यर्थ गई। अभ्यर्थी लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं, ऐसे में विभाग को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन भ्रमित कर अभ्यर्थियों को सरकार हो या फिर विभाग हो वो रख रही है। शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग स्पष्ट नहीं कर रहा है। ये देखिए ऑफिशियल लेटर जो है एनसीटीई का है, जहां पर तमाम बातें लिखी गई है। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर तमाम सूचनाएं दी गई है। बता दें आपको कि बीएड वाले अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम बातें बताई गई है। बता दें आपको कि एनसीटीई के गाइडलाइन में यह साफ जो है लिखा गया है, तो वहीं प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता पर सर्वोच्च फैसले को लेकर जो एनसीटी ने स्वीकार किया है कि वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीते 11 अगस्त को जो है पारित न्यायाधीश के बाद जो है एनसीटी ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी अनुमति की जानकारी दी थी, जिसके बाद इस पत्र से दो बातें स्पष्ट हो गई है। अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सिर्फ डीएलएड का ही मेधा सूची बनेगा, क्योंकि बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के खंड संख्या 16 के स्पष्टीकरण में कहीं ना कहीं साफ साफ लिखा गया है कि योग्यता संबंधित किसी भी विवाद की जो है स्थिति में अंतिम निर्णय एनसीटीई का ही होगा। ऐसे में यदि एनसीटीई को देखते हुए कहीं ना कहीं फैसले को स्वीकार कर लिया गया है, तो वहीं इसको देखते हुए निश्चित रूप से सिर्फ डीएलएड का ही मेधा सूची बन सकेगा। एनसीटी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को स्वीकार कर चुकी है, वह कहीं ना कहीं खिलाफ रिव्यू या चुनौती नहीं करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं एनसीटी ने हाथ खड़ा कर लिया अभ्यर्थियों को लेकर, और एनसीटी ने यह साफ कह दिया है कि उनके आदेश का, न्यायालय के आदेश का हम पालन करते हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में तमाम अनेक राज्यों के जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनको पत्र लिखा गया है और कहा यह गया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। फिलहाल बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अभ्यर्थियों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए विभाग को, शिक्षा विभाग को अभ्यर्थियों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए, नीतीश सरकार को अभ्यर्थियों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। ऐसे में तमाम बातें स्पष्ट करनी चाहिए। लेटर आपने देखा किस तरीके से लेटर जो है एनसीटीई के द्वारा जारी किया गया है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।